पाकि हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक कौमी मफाद में ख़तरे के पेश नज़र हसास इदारों को इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो किसी भी शख्स का टेलीफोन रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी सुराग रसानी कर सकते हैं। इस मामले पर अराकी ने पार्लीमेंट में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से जब बात की है तो उनका ये कहना था कि वो इस अमल की हमायत करेंगे। उनका ये कहना था कि मामला अभी कानूनी मराहल से गुजर रहा है, हतमी मराहल तक नहीं पहुँचा, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं और पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है तो इन हालात में उन्होंने ये कहा कि टेलीफोन रिकॉर्डिंग ये दहशतगर्दों तक पहुंचने का भी एक तरीका है और सिक्योरिटी मामलात में भी इससे मदद मिलती है, लिहाजा इस अमल की मैं तो हमायत करूंगा। देखें ये जो मामला जो है ये एक कानूनी मराहल से इस वक्त गुजर रहा है, आपको भी पता है, हियरिंग भी हुई है उसमें और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पे ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है और इसको सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। कम से कम दहशतगर्दी की जंग जिस वक्त हम लड़ रहे हैं उसके ख़िलाफ़ तो ये एक चीज़ ज़रूरी है। मैं इसको इन मौजूदा हालात के तहत जो है बिल्कुल इसको सपोर्ट करूँगा, लेकिन जो लोग जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जिसमें उमर यूसुफ साहब और दूसरे लोग हैं वो ज़रा अपने बानी पीटीआई के फरमुदात भी तो सुन लेना। उन्होंने कहा था कि मेरे भी टेलीफोन टेप होते हैं और ज़रूर होने चाहिए टेप जो है। वो उस वक्त उनका माशका चल रहा था एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनकी हर जायज़ नजायज़ बात जो थी उनको बड़ी प्यारी लगती थी। आज जो है उनके फॉलोअर्स को जो है वही बात जो है वो नफरत अंगेज लग रही है, उसके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो ये मौसमी बटेरे हैं ये सारे सियासी लोग जो हैं हमारे अपोजिशन वाले और पीटीआई वाले। आइन बड़ा क्लियर है, वो कह आइन का यही मुद्दा है कि प्राइवेसी जो किसी की डिस्टर्ब ना हो और आप फोन टैपिंग नहीं कर सकते, इस पे ला पहले से भी वजह है। जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उन पे नज़र रखना एक अलग बात है। वो सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो पैरामीटर्स है वो तय कर दिए थे। एक ब्लैंकेट किस्म का नोटिफिकेशन जिस तरीके से ये इशू हुआ ये बिल्कुल आइन के खिलाफ और प्रोग्राम में बैठ के खुद कहा था कि मैं खुद कहता हूँ कि एजेंसीज करनी चाहिए क्योंकि हमारी बेहतरी के लिए वो करते हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए करते हैं। वो प्रोग्राम में उनका क्लिप पड़ा हुआ है, मंसूर अली खान के प्रोग्राम में कहा था। देखिए जो भी है आइन के मुताबिक होने चाहिए, मैं कहता हूँ आइन के मुताबिक।